इसीलिए बच्चों को स्पोर्ट्स किया करो, विशेष तौर पर इन बच्चियों को, इन लड़कियों को खेलों में बाहर निकालो। और अभी एक श्लोक आप लोगों के बीच में, कर्मवीर जी एक बात, जब बात स्पोर्ट्स की आती है, मेरे नौथा गांव के इस समय 3 बच्चे प्रो गोल्फ खेलेंगे, सुनील जापाल, रविंदर एयरफोर्स और विकास एयरफोर्स। और हमारा अभाव क्या रहा आज तक, मंत्री जी को भी बात कहूंगा मैं, डिडवाड़ी सर्कल कबड्डी में नेशनल चैंपियन रहा है, नोरथा नेशनल स्टाइल कबड्डी में नेशनल चैंपियन रहा है, लेकिन ना डिडवाड़ी के पास खेल प्रांगण है ना नोरथा के पास खेल। बिल्कुल आपकी फैशन के लिए आगे डिडवाड़ी और नोरथा का शुभ हमारा बिल्कुल नवोदय के आगे हमारा स्टेडियम बनेगा, फिर देखना नेशनल नेशनल नहीं इंटरनेशनल। बहुत बढ़िया कोच साहब की जायज मांगे हैं ये, आप लोगों ने सभी ने मांग रखी है, बहुत बढ़िया। सीम पर दोनों गाँव का सारा स्टेडियम बनेगा। थैंक यू बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत बढ़िया भैया। तो गाँव ही ऐसा है, नोरथा गाँव तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है, हर चीज में अव्वल नंबर पे रहता है। तो एक सौ में भी आप लोगों के बीच में मैं और पूरी पार्टी के साथ में गाऊंगा, लेकिन उससे पहले 3-4 मिनट आप लोगों के बीच में मैं लोगों एक देशभक्ति सॉन्ग गाऊंगा फौजियों का, क्योंकि खुद फौजी हूं और मेरे हरियाणा के नौजवान मेरे सामने बैठे हैं, ना गाऊंगा तो शायद अपने फर्ज से लापरवाही करूंगा मैं। और आज देश के हालात, मौजूदा हालात आपको पता है, भारतीय सेना के नौजवान किस प्रकार से अपना सीना आगे अड़ा देते हैं, लेकिन भारत माता के ऊपर एक भी आंच नहीं आने देते। तो किस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत के नौजवानों ने इस घटना को अंजाम दिया था, और भारत के नौजवान किस प्रकार से पड़ोसी मुल्क दुश्मन देश को एक हिदायत देना चाहते हैं, इस शो के माध्यम से बताऊंगा। सभी ने गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, कैसे क्या बताया। अरे ये मोबाइल नीचे रख दो, कोर्स पे ध्यान देना पीछे। अरे शत्रु आए शकत के गुमान से भरे हुए जो, उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया। रिदम नहीं देगा कोई भी, सिर्फ स्केल स्केल दिखाओ, आप पीछे बोलना सिर्फ कोर्स ध्यान से, क्योंकि महत्व है शब्दों का। हाँ, अरे शत्रु आए शकत के गुमान से भरे हुए जो, उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया, उनकी सीमाओं में दम उनका निचोड़ दिया। भारतीय सैनिकों ने एलओसी क्रॉस करके मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया, मौत के तूफानों का भी देखो मुंह मोड़ दिया। उग्रवादियों ने जो बनाए वहां लॉन्च पैड, कच्ची मिट्टी के घरों के जैसा देखो फोड़ दिया, कच्ची मिट्टी के घरों के जैसा देखो फोड़ दिया, कच्ची मिट्टी के घरों के जैसा देखो फोड़ दिया, कच्ची मिट्टी के घरों को जैसा देखो फोड़ दिया। भारत माँ के लाडलों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पीओके में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया, पीओके में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया, पीओके में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया, पीओके में जाके आतंकवादी अड्डा तोड़ दिया। आन बान शान का सवाल हो गया था ये तो, उड़ी वाला बदला उतार कर आए हम, उड़ी वाला बदला उतार कर आए हम। भारत का ये मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रगत से निखार कर आए हम, शत्रुओं के रगत से निखार कर आए हम। उड़ा दिए ठिकाने हमने दहशत कर दी वाले सारे, चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम, चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम, चाहे सांस मौत से उधार लेके आए हम। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी, जो की है इन्होंने वही मनमानी काम आएगी, जो इन्होंने की है मनमानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी, अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी, अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। शीश कटवाने का कर्ज जो चढ़ाया गया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया, दुश्मन को मार के कर्ज वो चुका दिया। देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया, सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। गोलियों के आके नीचे सीने हम अड़ाते रहे, भारत माँ को एक भी ना घाव लगने दिया, भारत माँ को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौते वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा। 23 जुलाई को इंडिया गेट के ऊपर प्रोग्राम था, होने वाले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी भी मंच के ऊपर ये बात सुन रहे थे। जब उनकी तरफ इशारा करके मैंने ये बात बोली, तो उन्होंने ताड़ी बजाई और मेरे को सीने से लगा लिया। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, यही बात बोली थी कि आप समझौते वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। और अभी 4 लाइनें गाऊंगा दोस्तों। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दुश्मन देश जो हजार तरह की बातें बनाता है, अपनी औकात याद नहीं है उसे कि कहां हिंदुस्तान और कहां पाकिस्तान, ध्यान से सुन लेना। औकात याद दिलाऊंगा उनको, यूट्यूब को पर डालूंगा, वीडियो कैमरा चला हुआ है, पाकिस्तान वाले बड़े प्यार से सुनते हैं ऐसी बातें, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, ध्यान से सुन लेना क्या बताया। जितना है साल का बजट तेरा पाकिस्तान है, उतने का हम यहाँ घास फूस लेते हैं, उतने का यहाँ हम घास फूस लेते हैं।
विश्वास रखा उतना दिवाली पे पटाखे फूंक देते हैं, उतना दिवाली पे पटाखे फूंक लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं, उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाकिस्तान उतने आवारा यहाँ कुत्ते भोंक लेते हैं, उतने आवारा यहाँ कुत्ते भोंक लेते हैं। जितना भी धुआं तेरे कारखाने देते होंगे उतने का साधु जी चिलम फूंक देते हैं, उतने का साधु जी चिलम फूंक देते हैं। फौजी करमवीर बोले सुन ले तू पाकिस्तानी उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं, उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं। जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले उतना बिहारी पान खा के थूक देते हैं, उतना बिहारी पान खा के थूक देते हैं, उतना यहाँ सुपारी खा के थूक देते हैं। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा, थैंक यू, धन्यवाद। और अभी ये पूरी फोक टीम, हरियाणी फोक टीम आएगी और भाई तीजों का गीत होगा। किस प्रकार से लुगाई छोरी सामने में झूलती है पद्मावत के किस्से की रागनी है। देखिए अभी स्कूल के बच्चे आए हैं तो ये थोड़े सा पीछे हो जाओ, तो स्कूल के बच्चे में यहाँ बिठा लूंगा। प्लीज आपसे निवेदन, सभी से सबसे हाथ जो